आई एम सॉरी मार्गरेट, बर्थडे के दिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गया। मैं बर्थडे भूला नहीं था, सच में मेरे पापा की तबीयत खराब थी, हाई बीपी की वजह से। मैं जानती हूँ, आई एम सो सॉरी। अब पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। टेंशन में तुमसे जो होना था सो हो गया। अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। कॉलेज खत्म हो गया है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होने वाली हैं। मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती, और ये तुम भी जानते हो। वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी। तुम्हें लेकर हर रोज हमारे घर में झगड़ा होता है। इस तरह से नहीं चलेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। मेरी खातिर, माँ की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर। देखो रामचारी, मैंने कजिन से बात की है, वो अपनी कंपनी में तुम्हें एक जॉब दिलवा सकता है। वो होता कौन है मुझे जॉब दिलाने वाला? तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवारा हूँ। देखो अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो। दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। सिंगल रहो तो कहते हैं लवर नहीं है, लवर है तो पूछते हैं शादी कब है। ब्रेकअप हुआ तो भी पूछते हैं, डिवोर्स हुआ तो भी पूछते हैं। खुशी से रहेंगे तब भी बात करते हैं, दुख में रहेंगे तब भी बात करते हैं। मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अपने आप को बदलूंगा। तुम कहोगी कि सिगरेट छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मेरी माँ के लिए ये छोड़ दो, मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो, किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो। अगर इस तरह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करता चला गया ना, तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खो दूंगा इस डर से। मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा तुम्हारी माँ के हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए? हो तुम्हारे बाप जैसा जो तुम्हारी माँ के सामने हमेशा नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाता है। मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहले अपने घिरे बांध में झांक कर देखो। अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, माँ बाप के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाए, किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम इतने चीप होने के बावजूद मैं तुमसे बेशर्मों की तरह बात करती रहती हूँ। तुम इस जन्म में तो नहीं सुधरोगे। मेरी गलती दिखते ही मैं उसे सुधार लेता हूँ और अपने खुददारी के आगे अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करता। ध्यान से सुनो, मैं ऐसा ही रहूंगा और अपने तरीके से ही जीऊंगा। तुम्हें ये रामाचारी पसंद नहीं है तो अपना रास्ता नाप लो। ऑलराइट, दोबारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मुझे खोने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मेरी कीमत क्या है। ए, तू क्या सोचती है तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा? तेरे आने से पहले मैं खुश था, तेरे जाने के बाद भी खुशी रहूंगा। अब ये बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मर जाऊं तब भी तुम मत आना। नहीं आऊंगा, जा, नहीं आऊंगा, जा।